वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटिफुल लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सपीरियंस कराने वाली हूँ जल सृष्टि रिसोर्ट। सो बेसिकली हमने अभी जस्ट चेक इन किया है। सो मैं इनके साथ यहाँ बैठी हूँ, टू मस्किटियर्स के साथ। आज का और कल का दिन आप लोगों को जल सृष्टि रिसोर्ट का एक्सपीरियंस कराने वाली हूँ। हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या है इस रिसोर्ट की खूबियाँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। सो लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द वन वी हैव बुक्ड। सो इस तरह से कुछ इसका आउटसाइड अपीयरेंस दिख रहा है, बहुत ही प्रिटी एंड इट्स लाइक सराउंडेड विथ वाटर डाउन। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और अंदर से आपको इसका व्यू करवाती हूँ। जला का आप देख सकते हो, तो ये ग्राउंड लेवल पे है इस तरह से, और बहुत ही प्रिटीली सराउंडेड विथ फ्लावर्स एंड ब्यूटी एज यू कैन सी, आप देख सकते हो। और जो जलाका का जो बैक साइड व्यू आपको अगर देखना हो तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो उनको भी ये व्यू मिलता है फ्रॉम देयर बैल्कनी। सो दिस इज़ जलाका वंस बैल्कनी, एंड अगर आप यहाँ बैठते हो तो आपको ये बहुत ही सीनिक ब्यूटी देखने मिलती है। हम बेसिकली जल पुष्प में है, सो दैट इज़ आर्स, और हमें पीछे पूरा रिवर साइड का व्यू मिलता है। सो दिस इज़ लाइक लिटिल बिट एलिवेटेड, आप देख सकते हो। सो इसका नाम जल पुष्प है एंड दीज आर एट ग्राउंड लेवल्स। सो दिस इज़ जलाका। सो इस तरह से बहुत ही ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सो पीसफुल। आपका पूरा दिन जो है बहुत ही अच्छी तरह से बीतेगा इन द मिड्स ऑफ नेचर। एंड यहाँ पे जितने भी ट्रीज़ हैं उन पे फ्रूट्स हैं, जैसे अंजीर का पेड़ देखा, पेरू है, पपैया, जैक फ्रूट। अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटी एंड सो मच पीस एंड हार्मनी अराउंड। बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये रिसोर्ट फ्रेंड्स, एंड आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। एंड फ्रेंड्स, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट वेट एनी लॉन्गर। मेरी लाइफ के हर एक्सपीरियंस में मैं आप लोगों को अपने साथ रखती हूँ, तो प्लीज़ जुड़े रहे मेरे साथ, सब्सक्राइब करें, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। Thank you.
लेकिन सब क्विकली मैं आप लोगों को ये तीन प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूँ जो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं ये रिसॉर्ट पे भी लेकर आई हूँ। मैंने मेकअप किया हुआ है तो मैं मेकअप यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ बाय दिस बायोडर्मा सेंसी बायो H2O माइसिलर वाटर मेकअप रिमूवर। ये बहुत ही माइल्ड है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड सेंसिटिव है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फेस एंड आईज से मेकअप बहुत ही अच्छी तरह से निकाल लेता है एंड इट इज़ वेरी वेरी लाइट, ठीक है। बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेरा मेकअप रिमूव कर लिया इसने। उसके बाद मैंने यूज़ किया है बायोडर्मा का सेंसी बायो टोनर। ये बहुत ही अच्छी तरह से स्किन को सूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है, इसकी खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग है। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके बगैर मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं रह पा रही हूँ। सो मॉर्निंग में उठते ही मुझे फेस वॉश करना पसंद है तो मैं ये बायोडर्मा का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ जेल फेस वॉश एंड इट इज़ सूदिंग माइसिलर क्लेंजिंग फोमिंग जेल। सो थोड़ा बहुत जो काजल, थोड़ा बहुत डर्ट जो जमा होता है वो भी अच्छे से क्लीन कर देता है, इट मॉइस्चराइजेस एंड जब रिंस कर लेते हैं ना तो इतना क्लियर स्किन मिल जाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है ये फेस वॉश।